गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू राघव अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने CMA फाइनल का डी बैच आई उज्जवल जैन स्टार्टिंग लेक्चर वन। तो आइए लेक्चर वन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमको मैट पढ़ना है। तो बेसिकली मैट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में CMA फाइनल के एग्जाम में 1-2 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये मैट होता क्या है? मैट एक कंपनी पर लगता है, मैट के प्रोविजन कंपनी पर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि कंपनी बहुत सारी डिडक्शन, बहुत सारी एग्जम्पशन इनकम टैक्स एक्ट में भी ले लेती है और कंपनीज एक्ट में भी ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोविजन, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी बैड डेट, कोई भी डिविडेंड कंपनीज एक्ट में डिसअलाउ नहीं होता। कंपनीज एक्ट में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो एज पर शेड्यूल 3, तो जो कोई भी खर्चे की डिडक्शन आप लेना चाहते हो तो उसकी आपको इजाजत मिल जाती है। पर इनकम टैक्स में भी कुछ लिमिट खर्चों की छूट मिलती है और कुछ की हमको नहीं मिलती। पर इनकम टैक्स में भी बहुत सारी छूट हमको अननेसेसरी मिल जाती है। तो जब ऐसे केसेस बढ़ते रहे, कंपनियों ने बहुत सारी एग्जम्पशन, बहुत सारी डिडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और अपनी इनकम को कम दिखाने लगे, अपना टैक्स कम दिखाने लगे, फिर क्या हुआ? हमारी टैक्स एक्ट 1961 ने मैट के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया। तो मैट के प्रोविजन किस पर लगते हैं? कंपनी पर लगते हैं। और मैट में होता क्या है? हम पहले कैलकुलेशन करते हैं मैट के हिसाब से। हम जो कंपनी ने शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉफिट बनाया है उसको ठीक करते हैं, उस प्रॉफिट को स्वच्छ बनाते हैं, फिर उस प्रॉफिट पे एक पर्टिकुलर टैक्स जो हमको टैक्स रेट मैट में बताया गया है उससे टैक्स निकालते हैं। और फिर उस टैक्स को किससे कंपेयर करेंगे? जो PGBP से प्रॉफिट आएगा, जो इंटर में आपने PGBP से प्रॉफिट निकालना सीखा और उस पे टैक्स लगाना सीखा, उस टैक्स से कंपेयर करेंगे और जो भी हायर होगा वो टैक्स कंपनी को पे करना होगा। तो कंपनी की हम दो 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 बार कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं अपने मैट के प्रोविजन। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स डेट इज मैट, सेक्शन 115JB। इंट्रोडक्शन। मैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, वेदर इंडियन, वेदर फॉरेन, वेदर रेजिडेंट, वेदर नॉन रेजिडेंट या फिर क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड कंपनीज। तो मैट के प्रोविजन पूरी दुनिया में जो भी हमारी कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है उन पर लग जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द प्रोविजन्स ऑफ मैट अप्लाइज ऑन कंपनीज बिकॉज कंपनी मे रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी बाय क्लेमिंग वेरियस एग्जम्पशन, डिडक्शन, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बहुत सारी छूट ले लेती है, कंपनी बहुत सारे डिडक्शंस को क्लेम कर लेती है और जो भी हमारे हाई डेप्रिसिएशन होते हैं उनको क्लेम करने के बाद अपने प्रॉफिट को कम कर लेती है। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सच केसेस देन द प्रोविजंस ऑफ मैट वॉज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1997। जब केस बढ़ते गए, कंपनी अपना प्रॉफिट कम करती गई,
कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमाने के बाद इनकम टैक्स में दिखाने लगे कि सर मेरा तो इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं टैक्स नहीं दूंगी। तो जब ऐसे केस बढ़ते गए तो क्या हुआ, मैट के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया और विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 1997 से मैट के प्रोविजन लागू हो गए। फोर्थ पॉइंट, बाय द प्रोविजंस ऑफ मैट ऑन अ कंपनी वी कैलकुलेट रिवाइज इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच विल बी नोन एज बुक प्रॉफिट। तो हम एक कंपनी पर मैट प्रोविजन लगाएंगे और उस कंपनी का प्रॉफिट, उस कंपनी की इनकम दोबारा निकालेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, बुक प्रॉफिट, एंड अप्लाई सच प्रेस्क्राइब रेट, उस बुक प्रॉफिट पे वो प्रेस्क्राइब रेट लगा देंगे जो मैट में बताया गया है। क्या रेट है वो भी अभी हम देखेंगे। ऑन सच बुक प्रॉफिट देन अमाउंट ऑफ टैक्स एज पर मैट विल रिवील। फिर क्या होगा, मैट के अकॉर्डिंग हमारे टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, एंड इन लास्ट वी कंपेयर सच टैक्स अमाउंट एज पर मैट विद टैक्स अमाउंट एज पर नॉर्मल पीजीबीपी प्रोविजंस, देन हायर टैक्स अमाउंट विल बी द फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी विच विल बी नोन एज मैट। तो मैट की फुल फॉर्म क्या थी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कि आपको एक मिनिमम टैक्स का अमाउंट जरूर देना है। तो हमको दो टैक्स की अमाउंट को कंपेयर करना है, फर्स्ट एज पर मैट, सेकंड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी। जो इंटरमीडिएट में आप पीजीबीपी पर आ चुके हो उसके हिसाब से आपको एक कंपनी की इनकम निकालनी है, उस इनकम पर टैक्स निकालना है, फिर पीजीबीपी के टैक्स को और मैट टैक्स को कंपेयर करना है और जो भी हायर होगा वो हो जाएगी हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। सिक्स पॉइंट, देन सरचार्ज रिलीफ सेस विल बी लिवाई। के बाद सरचार्ज जो भी हमको रिलीफ मिलनी होगी रिलीफ मिल जाएगी और जो हमारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। Hence the step to solve the question of MAT are as follows. तो हमारे steps क्या निकले MAT का question solve करने के लिए, क्योंकि हमको exam में सिर्फ क्या पूछा जाएगा कि आप हमको question solve करके बता दो, हमको पीछे की कहानी मत बताओ। तो आपको सिर्फ question solve करना है और आपके number आ जाएंगे। कितने, 8 to 10 marks का question ये हमारे एग्जाम में आता है। तो आज के लेक्चर के बाद आपको एश्योरेंस हो जाएगी, आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि अगर मैट का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम उसको कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे मैट के क्वेश्चन को सोल्व करने के स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट, प्रिपेयर और टेक प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम लॉस अकाउंट बनाएंगे कंपनी का। ऑब्वियसली बात है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। वैसे हमको प्रॉफिट या की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है तो हम वो उठा लेंगे, अगर फिर भी किसी केस में नेट प्रॉफिट की अमाउंट नहीं गिवन तो हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे एज पर शेड्यूल 3। सेकंड पॉइंट, एडजस्ट सच प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस विद प्रेस्क्राइब एडजस्टमेंट अंडर मैट प्रोविजन। मैंने आपको क्या बताया था कि हम इस प्रॉफिट को स्वच्छ बनाएंगे, तो हमको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। जो एडजस्टमेंट हमको
मैट के प्रोविजन में बताई गई है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ आइटम प्लस भी हो सकती है और कुछ माइनस भी हो सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं, हमको 15 आइटम अपने ऐड करनी है और 12 आइटम अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी है। 15 आइटम के अलावा 16वीं आइटम आप कोई भी माइनस नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उस इग्नोर करोगे। और ऐसे ही अगर कोई 12 आइटम के अलावा 13वीं आइटम गिवन है, आपको टच करोगे ना तो ऐड करोगे और ना ही लेस करोगे। थर्ड पॉइंट, कंप्यूट टैक्स अमाउंट एज पर मैट एट द रेट 15% ऑन सच एडजस्टेड अमाउंट। तो एडजस्टेड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड अमाउंट हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। हमको अब टैक्स का अमाउंट लग गया कि हमको 15% से टैक्स निकालना है उस बुक प्रॉफिट पर जो एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद आता है, जिसको हम बुक प्रॉफिट बोलते हैं। और इसके बाद दोनों टैक्सेस को कंपेयर करना है और जो भी हायर होगा वो एक कंपनी को पे करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, कंपेयर सच टैक्स अमाउंट एज पर मैट विद अमाउंट एज पर पीजीबीपी प्रोविजंस। तो उस टैक्स अमाउंट को आपको पीजीबीपी के प्रोविजन के साथ कंपेयर करना है। देन हायर ऑफ द टैक्स अमाउंट विल बी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी डेट इज मेट। मिनिमम, ऑल्टरनेट टैक्स, तो जो भी हायर अमाउंट होगी उसको हमको पे करना है, यानी कि कंपनी को पे करना है, और वो हायर अमाउंट कहलाएगा यानी कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 उसका अमाउंट आ जाएगा। फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे, 15 आइटम्स हम ऐड करेंगे और 12 आइटम्स हम लेस करेंगे। जरूरी नहीं क्वेश्चन में सारी आइटम गिवन हो, पर वो आइटम हमारी 15 एडजस्टमेंट और 12 एडजस्टमेंट में फॉल करेगी, उनको ही हम ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बुक प्रॉफिट। फिर हम इस बुक प्रॉफिट पे टैक्स एट द रेट 15% कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे हमारा पीजीबीपी के प्रोविजन से टैक्स क्या बन रहा है, और फिर जो भी हायर होगा वो होगी हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी, जिसको बोलेंगे हम मैट। तो ये है हमारा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स। तो आइए अब देखते हैं कि वे एडजस्टमेंट क्या है, वे 15 आइटम कौन सी है ऐड करना है, और वे 12 आइटम कौन सी है जिनको हमें माइनस करना है। तो याद रहे, इन 15 एडजस्टमेंट को ही आपको याद करना है, इन्हीं को बार बार पढ़ना है और राइज करना है। याद करने की कोशिश मत करना, अगर समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ए पॉइंट, एड द फॉलोइंग आइटम्स इन द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, क्योंकि लॉस भी हो सकता है। अगर हम लॉस में आइटम्स को ऐड करते गए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो हमको नीचे दी गई चीजों को क्या करना है? ऐड करना है। फर्स्ट, पहली आइटम क्या आती है? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड और पेबल एंड देयर प्रोविजन। इनकम टैक्स का अमाउंट जो आप पे कर चुके या फिर जो आप अभी पे करने जा रहे हो, उसकी इजाजत हम आपको नहीं देंगे। अगर आपने ये अमाउंट अपने नेट प्रॉफिट में डेबिट किया है तो हम इसको ऐड बैक करेंगे,
पर इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। तो टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, DDT का अमाउंट, सरचार्ज का अमाउंट या फिर सेस का अमाउंट, अगर ये पांचों अमाउंट आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए हुए हैं तो आपको इनको ऐड बैक कराना होगा, क्योंकि हम अपना बुक प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को ठीक करने जा रहे हैं। इग्नोर मतलब कि ना तो आप ऐड करेंगे ना ही आप लेस करेंगे। क्या? इनकम टैक्स की पेनल्टी या फिर पेनल्टी और इंटरेस्ट अंडर वेल टैक्स और अदर एक्ट या फिर STT। तो इनकम टैक्स की पेनल्टी अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की गई है तो कोई बात नहीं, आप उसको टच मत कीजिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैट के साथ आप PGBP के प्रोविजन को मिक्स मत करना। PGBP के प्रोविजन अलग बात बोलते हैं और मैट के प्रोविजन अलग बात बोलते हैं। तो अगर इनकम टैक्स की पेनल्टी है तो आप टच मत करना। अगर पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट वेल टैक्स का है तो आप उसको टच मत करना, या तो अगर ऐड है तो कुछ भी मत करना और लेस है तो भी कुछ मत करना। और हमारे अगर आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट किसी भी कानून में लग रही है और वो आपने डेबिट की हुई है तो उसको भी आप कुछ मत करना। या फिर STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर ये भी आपने डेबिट किया हुआ है तो आप इनका कुछ नहीं करोगे। बस आपको कौन से आइटम ऐड करने हैं, इनकम टैक्स का अमाउंट, इनकम टैक्स की इंटरेस्ट, DDT, सरचार्ज या फिर सेस। अगर आपने इनकी डिडक्शन ले रखी है तो आप इनको क्या करोगे, ऐड बैक करोगे। एक सेकंड, हाँ जी, तो मेरे को लग रहा है थोड़े वॉइस में दिक्कत आ रही है, ये माइक की वजह से है, तो आप प्लीज़ एक बार कोऑपरेट कीजिए, आज हम इसको ठीक करा लेंगे। तो सेकंड आइटम हमारी क्या है, द अमाउंट कैरीड ओब्लिक ट्रांसफर टू एनी रिजर्व बिकॉज एट दैट टाइम प्रॉफिट वॉज रिड्यूस। अगर आपने कोई भी रिजर्व बनाया अपने प्रॉफिट से तो आपने अपने प्रॉफिट को कम किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से जो आपने रिजर्व बनाया है उस रिजर्व के अमाउंट को ऐड बैक कराएंगे। ऐड बैक क्यों कराएंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट को स्वच्छ बना रहे हैं तो हमको ये अमाउंट ऐड बैक करना है। थर्ड पॉइंट, और ये जो नोट्स है इसकी आपको PDF आफ्टर सेशन जरूर मिल जाएगी, आप प्लीज़ आज के लिए कोऑपरेट कीजिए, फिर आने वाली क्लास में जो भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसकी PDF ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग अनसर्टेन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपको पता नहीं कि ये
सर्टेन है या फिर नहीं और आप इसका प्रोविजन बना रहे हो तो ये बात तो गलत है ना। तो इस अमाउंट को भी हम एड बैक कराएंगे। बट द प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी एज पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन शैल बी इग्नोर। अगर आप कोई ग्रेचुटी का प्रोविजन बना रहे हो जो कि एक्चुअरियल वैल्यूएशन के हिसाब से है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि सर आप ग्रेचुटी का इतना प्रोविजन बना सकते हो, तो आप उस प्रोविजन को बना सकते हो, इस प्रोविजन के अमाउंट को एड बैक हम नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट, द अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोविजंस फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। तो जो भी अमाउंट प्रोविजन का है, जो आपने किसके लिए बनाया, अपनी सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस के लिए बनाया। क्यों बनाया? सब्सिडरी कंपनी की अकाउंटिंग सब्सिडरी कंपनी वाले करेंगे, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? तो इस अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, एड बैक कराएंगे, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को स्वच्छ बना रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स पेड और प्रोपोज। डिविडेंड का कोई भी अमाउंट या तो आप पे कर चुके या आपने उसका प्रस्ताव रखा, तो इसकी भी इजाजत हम आपको नहीं देंगे। सिक्स पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एनी इनकम टू विच सेक्शन 10 दैट इज एग्जम्प्टेड इनकम, सेक्शन 11 और 12 यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जो इनकम हमारी एग्जम्प्ट है, जिस पे हम टैक्स नहीं लगाते, तो उसके खर्चे की डिडक्शन आप कैसे ले सकते हो? तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, किससे रिलेटेड, किसी इनकम से रिलेटेड, जो इनकम सेक्शन 10 में आती है या फिर सेक्शन 11 और 12 में आती है, अप्लाइज बिकॉज सच इनकम ऑल्सो एग्जम्प्टेड। तो जो कोई भी इनकम है जिस पर नहीं लगता, तो उस खर्चे की नहीं मिलेगी। सेवन पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एओपी इफ सच शेयर इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 86 मींस एओपी ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन इनकम। तो एओपी से मिलने वाला हिस्सा जिस पर एओपी टैक्स दे चुकी, अब वो भी तो एग्जम्प्ट है ना, तो उस हिस्से को कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया, उसकी डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो इनकम एग्जम्प्ट है। तो जब उस इनकम पे आप टैक्स ही नहीं दे रहे, तो उस खर्चे की डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। एट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रिलेटेड टू फॉलोइंग इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी इफ टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इज लेस देन 15। खर्चे का वो अमाउंट जो एक फॉरेन कंपनी ने इनकर्ड किया, किस इनकम को कमाने के लिए इनकर्ड किया, जो इनकम पे टैक्स 15% से कम। ऑब्वियसली बात है, आपने पहले मैट के प्रोविजन कंपनी पर लगा दिए, फिर कंपनी की जो इनकम जो कम रेट से टैक्सेबल आपने बताई थी कि हम इस इनकम पर टैक्स इतना लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10% लगाएंगे, तो उस इनकम पर टैक्स 10% ही लगेगा, आप अब उस इनकम को मैट में नहीं लाएंगे। तो जिस इनकम को आप मैट में नहीं लाएंगे, तो उस खर्चे की डिडक्शन भी मैट में नहीं मिलेगी। तो वो इनकम कौन कौन सी है? द कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज को बेचने के बाद जो भी कैपिटल गेन हुआ, वो टैक्सेबल होता है लेस देन 15% फॉर फॉरेन कंपनी। तो इस पर ना तो इस इनकम को हम टैक्स करेंगे 15% से, और जब 15% से टैक्स नहीं लगेगा,
तो खर्चे की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। दूसरी इनकम है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज चार्जेबल एट लोअर रेट रेदर देन 15%। तो जिस ब्याज पर, जिस रॉयल्टी पर, जिस फीस पर 15% से कम टैक्स लगता है तो वो मैट में नहीं आएंगे, और जो वे मैट में नहीं आएंगे तो उनके खर्चे की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। आप अभी देखिएगा, जब हम अपनी लेस वाली आइटम्स पर जाएंगे तो इन इनकम को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इन इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, और इसीलिए यहां पर हम इन इनकम के खर्चों की डिडक्शन नहीं देंगे। 9. नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर और स्पेशल पर्पस व्हीकल टू अ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स एलोटेड बाय सच ट्रस्ट। क्या मतलब, अगर एक कंपनी को नोशनल लॉस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने एक कैपिटल एसेट यानी कि एक शेयर या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल बेचा, किसको बेचा, एक बिजनेस ट्रस्ट को बेचा, और बदले में बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया, अपनी यूनिट्स को एक कंपनी को दिया। तो अगर कैपिटल एसेट की वैल्यू ज्यादा थी और जो बदले में यूनिट्स मिली उनकी वैल्यू कम थी तो कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जो नोशनल लॉस एक कंपनी को हुआ उसकी डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, यानी कि उसको हम एड बैक कराएंगे। नोशनल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ सच बिजनेस ट्रस्ट यूनिट और लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन एड बैक। अगर कोई ऐसा नोशनल लॉस है जो किस वजह से हुआ, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू में बदलाव आने की वजह से कोई चेंज हुआ, तो हम क्या करेंगे, उस लॉस की डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। या फिर आपको लॉस हुआ उन यूनिट को बेचने पर तो उनकी भी डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। 10th, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115BBF दैट इज एट द रेट 10%। तो जो रॉयल्टी 10% से टैक्सेबल होगी उसके खर्चे की छूट हम नहीं देंगे, क्योंकि जब उस इनकम पर मैट के टैक्स से कम टैक्स लग रहा है तो उस इनकम मैट में नहीं लाएंगे, जब हम अपनी लेस वाली आइटम्स पर आएंगे तो उस इनकम को माइनस करेंगे। तो जिस इनकम पे हम मैट में टैक्स नहीं लगा रहे तो उस इनकम के खर्चे की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। 11th, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार यूज होगा। क्या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट को हम ऐड कर देंगे, और जब हम अपनी लेस वाली आइटम्स पर आएंगे तो मैं आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट से डील करने का एक शॉर्ट कर दूंगा। 12th, द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एंड देयर प्रोविजंस इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेफर्ड टैक्स का वो अमाउंट अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया तो हम उसकी इजाजत नहीं देंगे और उसको एड बैक कराएंगे। 13th, द अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर डिमिनेशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट लाइक एसेट रिटर्न ऑफ एटसेट्रा। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हुई और उसको आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया यानी कि डेबिट किया,
तो उसकी भी छूट हम आपको नहीं देंगे और इस अमाउंट को भी एड बैक कराएंगे। आपको सिर्फ ये 15 पॉइंट बार बार रीड करने हैं, याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट लिखी होगी उनको पढ़ने के बाद आपको याद आ जाएगा कि ये एडजस्टमेंट मैट के प्रोविजन में है या फिर नहीं है। अगर है तो उसको आपको ट्रीटमेंट देना है, वरना उसको फुल्ली इग्नोर करना है। ओके, 14th पॉइंट, द अमाउंट स्टैंडिंग इन रिवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटेड टू रिवैल्यूड एसेट ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ सच एसेट इफ नॉट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस नाउ वी एड बैक इन प्रॉफिट। अगर आपकी जो एसेट है उसका रिवैल्यूएशन हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ी और आपने उस रिवैल्यूड अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला, तो अब हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि नाउ वी ऐड बैक इन प्रॉफिट। तो ये कोई खर्चा नहीं है, आपने इनकम नहीं दिखाई तो उस इनकम को अब हम दिखाएंगे। 15th एंड लास्ट पॉइंट विच इज टू बी ऐड इन द नेट प्रॉफिट एज पर शेड्यूल 3, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ सच बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू इन पॉइंट 9 मीन्स नाउ वील सोल्ड देम। जो यूनिट आपको बिजनेस ट्रस्ट से मिली थी पॉइंट नंबर 9 में, अगर आपने उन यूनिट को बेचा और बेचने पर गेन हुआ और वो गेन अगर आपने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, मतलब आपने अपनी इनकम नहीं दिखाई, तो अब हम उसको ऐड बैक करेंगे, यानी कि उसको टैक्सेबल करेंगे। तो गेन कैसे आएगा? ऑब्वियसली बात है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट या फिर कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे या फिर बुक वैल्यू को माइनस करेंगे। तो हमारी 15th आइटम हो चुकी है जिसको हमने ऐड बैक करना है। आप इन 15 आइटम को बार बार रीड करना, याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो हम नेट प्रॉफिट एज पर शेड्यूल 3 में ये 15 आइटम या फिर इन 15 आइटम्स में से जो भी आइटम क्वेश्चन में गिवन होगी उसको ऐड बैक करेंगे। और अब हम देखने जा रहे हैं हमारी वे 12 आइटम जिनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। बी पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज पर शेड्यूल 3। अब हम माइनस करने जा रहे हैं वे आइटम, जो 12 आइटम हमको बताई गई है उनको अब हम माइनस करने जा रहे हैं। पहली आइटम हमको क्या माइनस करनी है, द अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व और फ्रॉम प्रोविजंस इफ सच अमाउंट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट। मतलब जब हम अपनी एड वाली आइटम्स पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था, आपने जो भी अमाउंट अपने प्रॉफिट में से निकालकर रिजर्व बनाया उसकी इजाजत हम आपको नहीं देंगे, तो हमने वो अमाउंट ऐड बैक कराया था। पर अब हम बोल रहे हैं कि जो भी पैसा आपने रिजर्व में से निकाल के प्रॉफिट में क्रेडिट किया तो ये भी गलत है, अब हम इसको लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को स्वच्छ बनाने जा रहे हैं, हम बुक प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। सेकेंड आइटम विच इज टू बी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनकम टू विच एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, आ गई ना वही बात, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 अप्लाइज इफ सच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम अपनी एड वाली आइटम्स देख रहे थे तो हमने देखा था जो खर्चे का अमाउंट
सेक्शन 10 की इनकम से रिलेटेड था, 11 की इनकम से रिलेटेड था, या सेक्शन 12 की इनकम से रिलेटेड था, तो उस खर्चे की डिडक्शन हमने आपको नहीं दी थी। तो जब आप खर्चे की डिडक्शन नहीं दे रहे तो आप हम पे टैक्स भी नहीं लगाओगे। तो इसलिए जो इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 में, सेक्शन 11 में और सेक्शन 12 में, सेक्शन 10 में हमारी सारी एग्जम्प्टेड इनकम डिस्कस है, 11 और 12 हमारे रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट से लिंक है। तो जो कमाई का हिस्सा जिस पे सरकार टैक्स नहीं लगाती तो उसको भी आप क्या कराओगे, माइनस कराओगे। थर्ड पॉइंट, द अमाउंट एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी इफ सच शेयर इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 86 मींस एओपी ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन सच शेयर। याद है अभी ऊपर हमने इस शेयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को एड बैक कराया था, तो जिस खर्चे की डिडक्शन आप नहीं दे रहे तो उस इनकम को भी हम टैक्सेबल नहीं होने देंगे, यानी कि उस इनकम को हम लेस कराएंगे। तो किस इनकम की बात हो रही है, एओपी या फिर किसी फर्म से जो प्रॉफिट आपको मिला, जिस पर वो फर्म या फिर वो एओपी टैक्स दे चुकी, तो वो इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है, और उसको हम माइनस कराएंगे। फोर्थ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ अ फॉरेन कंपनीज इनकम इफ टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इज लेस देन 15%। तो हमने इसके खर्चे की डिडक्शन नहीं दी थी, तो अब इस इनकम की को भी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, इस इनकम को भी हम माइनस कराएंगे। इनकम कौन सी थी, जिस इनकम पर 15% से कम टैक्स लग रहा है, तो उस इनकम को हम मैट में कवर नहीं करेंगे। क्योंकि मैट का मतलब क्या है, आपको 15% टैक्स देना है, पर जिस इनकम पर 15% टैक्स लगता ही नहीं, तो उस इनकम को मैट में आप नहीं ला सकते। कौन सी इनकम, फॉरेन कंपनी का कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, दूसरा फॉरेन कंपनी ने जो इंटरेस्ट कमाया, जो रॉयल्टी कमाई, जो भी फीस कमाई फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिस पे टैक्स लगता है एट अ लोअर रेट रेदर देन 15%। तो इन खर्च, इन इनकम के खर्चों की डिडक्शन हमने आपको नहीं दी थी, तो इन इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा। फिफ्थ आइटम विच इज टू बी रिड्यूस, नोशनल गेन। ऊपर था नोशनल लॉस, ऊपर हमने देखा था नोशनल लॉस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो आप नोशनल गेन को भी टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो कोई कोई पॉइंट्स तो हमारे सिमिलर है, जो ऊपर ऐड हुए उनको ही हम माइनस कर रहे हैं। नोशनल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर और स्पेशल पर्पस व्हीकल, किसको बेचा, टू अ बिजनेस ट्रस्ट, और बदले में क्या लिए, इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट एलॉटेड बाय सच ट्रस्ट। तो अब क्या हुआ, अगर आपके कैपिटल एसेट यानी कि आपके शेयर और आपके स्पेशल पर्पस व्हीकल की जो वैल्यू थी वो क्या थी, कम थी, पर आपको बदले में जो यूनिट मिली उनकी वैल्यू ज्यादा थी, तो जो नोशनल गेन हुआ उसको भी हम टैक्सेबल नहीं होने देंगे, क्योंकि ऊपर आपने नोशनल लॉस की इजाजत नहीं दी थी। नोशनल गेन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ सच बिजनेस ट्रस्ट और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट इफ क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो नोशनल गेन होगा उन यूनिट को बेचने पर या फिर उन यूनिट की कैरिंग अमाउंट में बदलाव आने पर, तो उस गेन को भी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर आपने उस गेन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो आप उसको अब माइनस कराएंगे। सिक्स्थ पॉइंट, लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ सच बिजनेस ट्रस्ट
referred to in point 6 means now we sold them. तो अगर आप उन बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को बेच रहे हो और बेचने पे लॉस हो रहा है तो उस लॉस की छूट आप ले सकते हो। लॉस कैसे आएगा? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट या फिर बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट। सेवन पॉइंट, द अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115BBF दैट इज 10%। तो याद है जब हम अपनी एड वाली आइटम पढ़ रहे थे तो हमने इस रॉयल्टी इनकम के जो खर्चे थे उनकी डिडक्शन नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि इस इनकम पर 10% टैक्स लगता है विच इज लेस देन 15%। तो जिस इनकम के खर्चे की डिडक्शन आपने नहीं दी उस इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये अमाउंट भी हमारी माइनस हो जाएगी। एट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनीज एक्ट एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट अब आप ध्यान से समझिए क्या होता है। जब आप एड वाली आइटम्स देख रहे थे तो हमने पढ़ा जो भी कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में आपको देखने को मिला आप उस पर बिल्कुल पेन चला देना, उसको आप बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। तो कंपनीज एक्ट का जो डेप्रिसिएशन है हमने पहले उसको ऐड किया था एड वाली आइटम में, अब हम उसी कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, पर उसमें से हमको जो डेप्रिसिएशन हमने रिवैल्यूड एसेट की फिगर पे लगाया उसको माइनस नहीं करना। तो इसका शॉर्टकट क्या निकलता है, आप पहले कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन को ना तो प्लस करो और ना ही यहां पे माइनस करो। आप सिंपल सा काम क्या करो, जो भी रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है उसको चुप करके ऐड कर दो, तो आपको तीन एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सर ये कैसे होता है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे जब उसमें आपको देखने को मिलेगा। नाइन पॉइंट, द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट। इट मीन्स द अमाउंट विच इज सपोज टू गेट रिड्यूस नॉट एक्सीड डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या मतलब निकला, जो पैसा आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया, हम उस अमाउंट को अब एड बैक करेंगे, पर एड बैक जो आप लेस कर रहे थे यानी कि जो पैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एड बैक किया अब उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी, हम उसको माइनस कराएंगे। पर माइनस कहां तक करा सकते हो, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट उस रेवैल्यूड फिगर पे होगा उस तक अमाउंट को आप माइनस करा सकते हो, उससे एक्सेस अमाउंट को आप माइनस नहीं करा सकते। टेंथ आइटम विच इज टू बी रिड्यूस लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, नीचे दिए गए अमाउंट में से जो भी लोअर होगा उसकी छूट एक कंपनी को मिल जाएगी। पहला अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, दूसरा अमाउंट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो कंपनी में जो भी इनकी छूट मिलेगी वो इन दोनों में से लोअर की मिलेगी। अगर क्वेश्चन में ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस का अमाउंट है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का अमाउंट है तो जो भी लोअर होगा उसकी छूट एक कंपनी को मिल जाएगी। हाउएवर इफ द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनीज रिमूव्ड बाय ट्रिब्यूनल
अपॉन रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और इफ द CIRP कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट एनी कंपनी हैज बीन एडमिटेड बाय द एडजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर IBC 2016। तो पहला केस क्या निकला, अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने हटा दिया, ट्रिब्यूनल ने क्यों हटाया, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। दूसरा केस, या फिर कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो इन दोनों केस में क्या होगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस दोनों की छूट मिल जाएगी। तो डिफरेंस क्या निकला, एक नॉर्मल कंपनी को इनमें से जो भी लोअर होगा उनकी छूट मिलेगी, और एक ऐसी कंपनी जिसके सारे डायरेक्टर ट्रिब्यूनल ने हटा दिए या फिर जिस कंपनी के खिलाफ CIRP प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो इन दोनों को इन दोनों अमाउंट की, किस किस अमाउंट की, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की छूट मिल जाएगी। देन बोथ सच अमाउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज पर शेड्यूल 3। 11th आइटम, 11वीं आइटम पर हम आ चुके हैं, विच इज टू बी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स इफ सच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेफर्ड टैक्स आपको क्वेश्चन में दिखते ही ये देखना, डेबिट हुआ है तो एड बैक करना है, क्रेडिट हुआ है तो फिर माइनस करना है, क्योंकि हम प्रॉफिट को स्वच्छ बना रहे हैं। 12th आइटम हमारी कौन सी है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन एंड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच द सैड कंपनी हैज बिकम अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एंड एंडिंग विद द असेसमेंट ईयर ड्यूरिंग विच द एंटायर नेटवर्थ ऑफ सच कंपनी बिकम्स इक्वल टू और मोर देन द एक्यूमुलेटेड लॉसेज। तो जो सिक कंपनी होती है, जब तक वो कंपनी सिक है तो उस कंपनी के प्रॉफिट को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, यानी कि उन प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब क्या होता है, या तो लॉस बराबर हो या फिर ज्यादा हो, किससे, नेटवर्थ से। तो जब तक ये लॉस नेटवर्थ से ज्यादा नहीं हो जाते या नेटवर्थ के बराबर नहीं आ जाते, तब तक हम एक सिक कंपनी के प्रॉफिट को माइनस करेंगे, यानी कि सिक कंपनी की कोई भी प्रॉफिट को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। और नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो नेटवर्थ भी हमने निकालना सिखाया है। तो यहां पे आके हमारे सारे 12 आइटम्स जो हमको माइनस करने हैं वो भी होते हैं खत्म। इसके बाद हम अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार देखते हैं कि आप लोगों के कमेंट्स क्या हैं। साक्षी अग्रवाल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमन जैन, गुड मॉर्निंग नमन। ये नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे, आप राघव एकेडमी में कांटेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल सब कुछ हो जाएगा। और जो भी हमारा कल लेक्चर है उसके नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हो जाएंगे। साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, वो थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, साउंड इज ब्रेकिंग, यस यस, कोई नहीं, कल सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। जी मैम, शेयर नोट्स कर रहा हूं मैं, साउंड इज ब्रेकिंग।
ये साउंड थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अब एक बार हम क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आइए एक बार अपने एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो मैट के ऊपर आए हुए हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं दिसंबर 2019, इस पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये रहा, वरुण कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सिंस जून 2005। द स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 35,60,000। तो एक कंपनी का हमको नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट तो हमको मिल गया। एग्रीगेट टर्नओवर विच नेवर एक्सीडेड 25 करोड़, इसका काम मैट में कोई भी नहीं है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, तो हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको हम मैट के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त पढ़ेंगे। नीचे हमको क्या गिवन है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी एज पर रेगुलर प्रोविजन, यानी कि PGPP जो आप इंटर में पढ़ के आ चुके उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार इनकम निकालनी है, एंड फिर आपको टोटल इनकम निकालनी है अंडर सेक्शन 115JB, डेट इज मैट प्रोविजन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 और 20। तो हम क्वेश्चन का ये वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, हमको मैट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपनी टोटल इनकम निकालनी है जिसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट, और वो कैसे आती है, 15 आइटम ऐड करने हैं और 12 आइटम माइनस करने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आइटम हमको क्वेश्चन में गिवन है। यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरी आइटम गिवन अबव एंड प्रोवाइड ब्रीफ रीजंस ब्रीफ रीजंस फॉर ट्रीटमेंट गिवन। ये कह रहे हैं आपको सारी एडजस्टमेंट के साथ डील करना है, तो वो तो हम करेंगे ही। और क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, 16 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स फॉर द PGBP एंड 8 मार्क्स फॉर द मैट। तो आइए एक बार हम सॉल्व करते हैं। दिसंबर 2019, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एज पर मैट एंड
टैक्स लायबिलिटी किसकी टैक्स लायबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं, वरुण कंपनी लिमिटेड फॉर वरुण कंपनी लिमिटेड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है, हम तो अमेंडेड पढ़ रहे हैं तो हम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर लिख के छोड़ रहे हैं। वैसे आप लिखना चाहते हो तो हम लिख भी सकते हैं असेसमेंट ईयर 2019-20। पर्टिकुलर्स रुपीस। साथ साथ एक बार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मेरे सोल्व करने से पहले भी आप क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर सकते हो। आप एक बार सेशन को क्लोज मतलब कि पॉज करके अपना आंसर हमसे फिर मैच भी कर सकते हो। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान देना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 35,60,000। 35,60,000 हमको नेट प्रॉफिट गिवन है। हम क्या करेंगे, कुछ आइटम ऐड करेंगे और कुछ आइटम अपने पास लेस करेंगे। तो पहली आइटम क्या है, डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द बुक्स 19,40,000। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी। 3,00,000 का डेप्रिसिएशन हमको गिवन है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्टेबल अंडर इनकम टैक्स रूल 13,15,000। तो मैट के लिए मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। तो अब मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि आप जो रिवैल्यू डेप्रिसिएशन है उसको आप ऐड बैक कर सकते हो, जो कि है हमारा 3,00,000। रिवैल्यूड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है, 3,00,000 रुपीज। दूसरी आइटम्स हमारी क्या है, इंटरेस्ट पेबल टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेबिटेड इन द बुक्स बट रुपीज 3,90,000 वॉज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। याद कीजिए, क्या मैट में हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, नहीं पढ़ा। ये एडजस्टमेंट पीजीबीपी के प्रोविजन के लिए रेलेवेंट है, मैट के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगली आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रुपीज 8,00,000 बीइंग 5% ऑन डेटर डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रोविजन की इजाजत नहीं मिलती तो प्रोविजन को हम ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 8,00,000 रुपीज।
उसके बाद है हमारा एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स इश्यू ऑफ बोनस शेयर ₹2 लाख एंड ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल ₹1 लाख बोथ हैव बीन डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ एज एक्सपेंडिचर। तो आपने कुछ ऐसा खर्चा किया बोनस शेयर पर या फिर आपने अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया, तो इन दोनों अमाउंट का ट्रीटमेंट मैट के प्रोविजन में कहीं पर भी नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। ई परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बीइंग रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरर बाय मेकिंग कैश पेमेंट ऑन 15 अगस्त 2018 ₹60,000 एंड ऑन 26 जनवरी 2019 ₹40,000 ऑल्सो कैश पेमेंट ऑफ ₹50,000 मेड फॉर परचेज ऑफ द प्रीवियस ईयर 2017-18 और पेमेंट कब करी 3 मई 2018 को। तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, मैट में हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा तो इसको भी करेंगे इग्नोर। जब हम पीजीबीपी से इनकम निकालेंगे तब ये पॉइंट्स काम आएंगे। एफ पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹5,10,000 टू एबीसी लिमिटेड चेन्नई टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1,50,000। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 5,10,000 की करी एबीसी लिमिटेड को जो कि चेन्नई की थी, जिस पर टीडीएस नहीं काटा, 1,50,000 की इनकम पर टीडीएस नहीं काटा। तो मैट में हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिविडेंड मिला है सब्सिडरी कंपनी से, तो डिविडेंड एक कंपनी के लिए क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, तो एग्जम्प्ट इनकम को टैक्सेबल नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 90,000 डिविडेंड हमारा एग्जम्प्ट हो गया, तो हमने इसको किया लेस। अगली एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹2,00,000। क्या टैक्स का प्रोविजन अलाउ होगा, नहीं, तो इसको करेंगे हम एड बैक। एंड प्रपोज डिविडेंड, तो ये अलाउ होगा, नहीं, इसको भी करेंगे एड बैक, डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों अमाउंट ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और हमारा प्रपोज डिविडेंड, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है, 2,00,000 और हमारा प्रपोज डिविडेंड है 80,000। क्या इसके बाद कोई एडजस्टमेंट है, सर नहीं है, तो आइए अपने आंसर को निकालते हैं। बुक प्रॉफिट एज पर मैट कैलकुलेशन करते हैं, 35,60,000 में ऐड करेंगे 3,00,000, फिर 8,00,000 ऐड करेंगे, फिर 2,00,000 ऐड करेंगे और फिर 80,000 ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे अपना 90,000। तो हमारा बुक प्रॉफिट आ गया है 48,50,000। अब इस पर टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स एट द रेट 15%, तो 48,50,000 का 15% आया 727,500।
500। इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, डेट इज 29,100, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी 756,600 टैक्स एज पर मैट। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन टैक्स एज पर मैट। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब तक एक बार इसको आप देख लीजिए। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक इंटरेस्टिंग नाम है। एक ऐसी एंटिटी को बनाना लाइक अ सब्सिडरी क्यों? आप अगर अपने रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी को कम करना चाहते हो तो आप अपनी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अपने सपोर्ट को यूज कर सकते हो, थोड़ा लॉस उधर ट्रांसफर कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। साउंड में अभी भी दिक्कत है क्या कुछ?
तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इजी था, हमने सिर्फ कितनी एडजस्टमेंट को यूज किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, पांच एडजस्टमेंट की और हमारे 8 नंबर आ गए। तो आइए अब स्टार्ट करते अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा दिसंबर 2018 में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हाँ जी, विमाला बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग समराइज पोजीशन ऑफ इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड पर्टिनेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर टू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो विमला बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हमको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल्स दी है। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, नेट प्रॉफिट लिखा है तो इसका मतलब नीचे जो भी एडजस्टमेंट है वो इसमें एडजस्टेड है। शेयर इनकम फ्रॉम एन एओपी कितना, शेयर ऑफ इनकम ऑफ एओपी है 6 लाख और उस पे खर्चे कितने हैं 80,000। तो हम देखेंगे क्या ये जो शेयर है एओपी में ये एग्जम्प्ट है या नहीं। अगर एओपी ने इस शेयर पे टैक्स दे दिया तो हम मैट में से इसको माइनस करेंगे और इस खर्चे को ऐड करेंगे, पर अगर एओपी ने इस पर टैक्स नहीं दिया तो मैट में इसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि 6 लाख पर टैक्स भी लगेगा और 80,000 की डिडक्शन भी मिलेगी जो कि ऑलरेडी एडजस्ट है। कंपाउंडिंग फी पेड टू कॉरपोरेशन अथॉरिटी कितना, 1,20,000। क्या हमने मैट में इसके बारे में कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने मैट में पढ़ा है, यस, क्या करेंगे, ऐड। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी क्या हमने मैट में इसके बारे में कुछ पढ़ा, यस, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, ऐड। CSR एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हमने मैट में इसके बारे में कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर। रॉयल्टी रिसीव रिलेटेड टू बिजनेस चार्जेबल एट द रेट 10%, वो रॉयल्टी का अमाउंट जिस पे 10% टैक्स लगता है यानी कि 15% से कम लगता है, तो हमने मैट में इसका जिक्र किया, यस किया, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा तो हम इसको करेंगे माइनस। इस रॉयल्टी का खर्चा हमको हमारी एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है तो उस खर्चे का हम कुछ भी नहीं करेंगे। 8th point, द ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड डेप्रिसिएशन आर एज अंडर, तो हमको एक कंपनी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन गिवन है और कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि उसके डायरेक्टर्स को ट्रिब्यूनल ने हटाया या फिर उस कंपनी के ऊपर CIRP की प्रोसीडिंग चल रही है, तो कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, जो एज पर बुक्स है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं मानेंगे, तो इन दोनों में जो भी लोअर होगा डेट इज 3 लाख, तो 3 लाख को हम माइनस कर देंगे। 9th point में क्या लिखा है, द मेंबर एज वेल एज देयर शेयर इन द एओपी इन विच द एजेस इज अ मेंबर आर स्पेसिफिक एंड डिटर्मिनेंट, मतलब ये कह रहे हैं जिस एओपी से इनको शेयर मिला है उस एओपी पर, एओपी ने उस शेयर पर टैक्स दे चुके हैं, तो वो शेयर अब क्या होगा, वो शेयर अब एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी इसको हम करेंगे लेस और इसको हम करेंगे ऐड।
नहीं, इसमें ये कह रहे हैं कि एओपी ने टैक्स दे दिया है या फिर नहीं दिया है, इसका फैसला एओपी लेगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इसमें बोल दिया जाता कि एओपी ने यह शेयर एग्जम्प्ट किया है, तो ना तो इस शेयर के खर्चे की डिडक्शन मिलती और ना ही इस शेयर की जो खर्चा है उसकी डिडक्शन के साथ साथ ना ही इस शेयर को हम टैक्सेबल करते। तो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार हम सही कर देते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों चीज को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, दोनों चीज को हम इग्नोर करेंगे। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मेरे सॉल्व करने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एज पर मैट। तो बुक प्रॉफिट हम निकालने जा रहे हैं एज पर मैट। पर्टिकुलर्स रुपीस, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स गिवन है, कितना 26 लाख। अब इसमें कुछ आइटम्स ऐड होगी और कुछ आइटम्स माइनस होगी। तो शेयर इनकम फ्रॉम एन एओपी हमको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि जिसमें एसएससी मेंबर है वो स्पेसिफिक है और डिटर्मिनेट है, यानी कि हम इस पर टैक्स देंगे क्योंकि इस पर एओपी ने टैक्स नहीं दिया। तो जो इनकम एडिड है उसको भी एडिड रखेंगे और जो एक्सपेंडिचर डिडक्टेड है उसको भी डिडक्टेड रखेंगे। तो कुल मिला के इस पॉइंट को हम करेंगे इग्नोर। तो कंपाउंडिंग फी भी इग्नोर होगी, तो पहली आइटम ऐड होगी हमारी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। कितना है यह है हमारा 2 लाख। उसके बाद हमारी आइटम है प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। कितना है यह है हमारा 4 लाख। इसके बाद जो हमारे सीएसआर एक्सपेंडिचर है इसको इग्नोर करना है। उसके बाद माइनस करनी है हमारी रॉयल्टी। रॉयल्टी रिसीव्ड विच इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 6 लाख रुपए। इसके बाद हमारी जो एडजस्टमेंट है वो है हमारी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन को लेके। तो हमको लोअर ऑफ फॉलोइंग माइनस करना है। लोअर ऑफ फॉलोइंग टू,
brought forward losses. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो ये है 4 लाख और ये है 3 लाख, तो इनमें लोअर क्या है, 3 लाख रुपीस। तो सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, आइए निकालते हैं बुक प्रॉफिट एज पर मैट। तो 26 लाख में ऐड करेंगे 2 लाख, फिर ऐड करेंगे 4 लाख, माइनस कर देंगे 6 लाख और देन माइनस कर देंगे अपना 3 लाख, तो ये आ जाएगा 23 लाख रुपए। तो इस पर टैक्स आएगा एट द रेट 15%, 23 लाख का 15% आएगा 3,45,000 रुपये, उसमें ऐड कर देंगे 4% सेस, तो ये आ जाएगा आपका 35,88,100 रुपये टोटल टैक्स पेबल। तो यहाँ पे आके हमारा एक क्वेश्चन और होता है ख़त्म, आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? जी सर, ऑल नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद सारे नोट्स वेबसाइट पर अपलोडेड हो जाएंगे, आप प्लीज़ वहाँ से उन नोट्स को देख लीजिएगा। यस, लेट्स हैव द कंटिन्यूएशन। आप एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और करने जाएंगे हम। अच्छा, वॉइस ठीक है? वाओ, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स फॉर योर गिविंग प्रीशियस टाइम, इट्स ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन हो गया आपका, प्लीज एक बार
शुड आई मूव ऑन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज टेल मी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू न्यू क्वेश्चन. एक बार हम न्यू शीट ओपन कर लेते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था दिसंबर 2017 में. तो दिसंबर 2017 में क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी पार्ट अब हम करने जा रहे हैं. आप देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, कितनी जल्दी ये सोल्व हो जाता है और लेकर जाता है. हाँ जी, सोनी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरत. सूरत की ये टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है. अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20 लाख आफ्टर डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स टू इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 31 मार्च 2017. तो सोनू टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड सूरत की एक कंपनी है जिन्होंने 20 लाख कमाया. तो उन्होंने नीचे दी गई एडजस्टमेंट को डेबिट या फिर क्रेडिट किया, इसके बाद उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाला. तो एडजस्टमेंट तो हम पढ़ लेंगे, हमको क्या देखना है, कंप्यूट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अंडर सेक्शन 115JB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो हमको बुक प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद टैक्स निकालना है. तो आइए एक बार लिखते हैं. क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2017, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का बी पार्ट. कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एज पर मैट फोर. कंपनी का क्या नाम है, सोनी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड. पर्टिकुलर्स रुपीज. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट. एस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3. कितना गिवन है हमको, 20 लाख. अब इसमें कुछ आइटम्स ऐड होगी और कुछ आइटम माइनस होगी. पहली आइटम पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी. तो इसको क्या करेंगे, ऐड. आइए लिख लेते हैं. एकदम से पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, घबरा जाते हो. एग्जाम में कुछ याद थोड़ी रहता है, चाहे आप कितना ही पढ़ के गए हो, पर जब एग्जाम पेपर आपके हाथ में आता है तो डर जरूर लगता है. तो आप पहले अपना कॉन्सेप्ट लिखो कि हमको क्या करना है,
जैसे हमने पहले नेट प्रॉफिट लिख लिया, धीरे 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 एडजस्टमेंट को पढ़ते रहो। प्रोविजन फॉर द लॉस ऑफ सब्सिडरी, कितना है? 2 लाख। दूसरी एडजस्टमेंट हमारी क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसको भी हम क्या करते हैं? एड बैक। कितना है? यह है हमारा 1.5 लाख। तो हमने 2 आइटम्स अपने ऐड कर दिए, कौन कौन से? प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी और हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तीसरी आइटम है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो क्या इसको ऐड करेंगे? यस। अब तो आप चैंप हो गए होगे। कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? सर नहीं पड़ी, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सिर्फ दिल से वे एडजस्टमेंट पढ़ी और उनको याद करा कि ये आइटम वहां थी तो हमने क्या कर दिया? ऐड। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है? यह है 3 लाख। उसके बाद है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन है 5 लाख, पर आपने कितना बनाया? 7 लाख। तो जो एक्सेस आपने ज्यादा बनाया उसको हम ऐड करेंगे। एक्सेस, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, प्रोविजन फॉर एक्सेस ग्रेच्युटी कितना आएगा? 7 लाख आपने बनाया, 5 लाख परमिट है, तो 7 लाख माइनस 5 लाख, डेट इज 2 लाख रुपए एड बैक हो जाएगा। इसके बाद है पेनल्टी फॉर इंट्रांजैक्शन ऑफ लॉ, आपने किसी कानून को तोड़ा और उसकी पेनल्टी लगी। तो मैट के प्रोविजन में हमने देखा था कि इसका हमको कुछ भी नहीं करना है, तो इसको करेंगे इग्नोर। ऊपर एक एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट स्किप हो गई। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमने आपको शॉर्टकट बताया था, तो इसको हम यूज करेंगे बाय शॉर्टकट। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड टिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन 1 दिसंबर 2017, तो इंटरेस्ट अनपेड है, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। सर मैट में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पीजीबीपी में तो आप पढ़ के आ चुके हो, तो आप वहां पर कर लोगे। और पेनल्टी फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ, आपने कानून को तोड़ा, आपके ऊपर पेनल्टी लगी, मैट में इसका कोई ट्रीटमेंट है? सर नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे? इग्नोर। रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115BBF, तो इससे पहले एक बार एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, कभी हमारी कोई गलत हो जाए। नहीं, तो जो रॉयल्टी है वो पेटेंट में सेक्शन 115BBF में है, यानी इस पर टैक्स 15% से कम लगता है, तो इसको मैट में नहीं लाएंगे और इस अमाउंट को हम करेंगे माइनस। रॉयल्टी इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 115BBF, इसके बाद हमारी क्या है? शेयर इनकम एज पार्टनर इन अ फर्म, तो आपको फर्म से शेयर मिला, तो जब फर्म से शेयर मिला तो फर्म उस पर टैक्स दे चुकी होगी, तो ये क्या होगा? एक्सम। तो आइए इसको माइनस करते हैं। शेयर ऑफ इनकम
फ्रॉम फर्म जो कि है हमारा एक्सम्प्टेड पार्ट, कितना 1,20,000। उसके बाद है डिविडेंड, तो डिविडेंड भी क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। डिविडेंड एग्जम्प्टेड कितना अमाउंट है, अमाउंट है आपका 75,000। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ वेकेंट लैंड। तो हमने क्या मैट के प्रोविजन में कहीं पढ़ा है कि खाली जमीन को बेचने के कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट क्या करना है? सर नहीं पढ़ा, तो इसको करेंगे इग्नोर। तो हमने ये माइनस किया, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया। अब हमारी एक एडजस्टमेंट किसकी रह गई, हमारी एडजस्टमेंट सिर्फ डेप्रिसिएशन की रह गई, जिसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट क्या था, जो भी रिवैल्यूड फिगर पे डेप्रिसिएशन है उसको हम ऐड कर देंगे, जो कि हमको गिवन है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स रुपीज 1,60,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। तो आइए ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट, कितना 1,60,000। तो आइए अब निकालते हैं अपना बुक प्रॉफिट एज पर मैट। पाँच या दस मिनट से ज़्यादा नहीं लग रही है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और आप हमारे लेक्चर नंबर 1 यानी कि मैट की अहमियत को समझ सकते हो। आज के लेक्चर के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो गए आपके CMA फाइनल के एग्ज़ाम में। तो आइए एक बार निकालते हैं। बीस लाख में 2 लाख ऐड करेंगे, 1.5 लाख ऐड करेंगे, 3 लाख ऐड करेंगे, फिर फर्दर 2 लाख, फिर 1,60,000, हाँ जी आंसर आ गया 22,15,000 रुपये। अब क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे इस पर टैक्स। हम सिर्फ मैट की बात कर रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा मैट है। तो टैक्स आया हमारा 33,22,50। इसमें 4% सेस ऐड करेंगे तो हमारा टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा जो कि आया 34,54,40। और इसमें हम एक अमाउंट और ऐड करेंगे रॉयल्टी इनकम का, क्योंकि जो रॉयल्टी इनकम हमारी कैसे टैक्सेबल है, ऐट द रेट 10% से। तो 10% इसमें ऐड करेंगे 60,000, उस पे 4% सेस भी लगेगा। तो टोटल टैक्स पेबल आ गया हमारा 62,400 प्लस 34,55,40, 407,940। तो हमारा टैक्स आ चुका है कितना, 407,940। तो एक क्वेश्चन और भी होता है ख़त्म। आपको इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान से देखना है क्योंकि जिस इनकम को आपने हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि उस पर 10% रेट लग रहा है तो उस पर टैक्स तो लगाओ। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं, प्लीज आप इसको नोट कीजिए।
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ मैट, रीजन ऑफ मैट एंड द प्रैक्टिकल स्टेप्स टू द सोल्व द क्वेश्चन ऑफ मैट टू अचीव 8 to 10 मार्क्स इन योर सी एम ए फाइनल एग्जामिनेशन। तो आपको अब पता लग गया होगा मैट का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, कितना ईजी क्वेश्चन है, कितना लड्डू क्वेश्चन है और 8 to 10 मार्क्स आपके आ गए। प्लीज़ जो जो भी अभी लाइव में हमारे साथ है एक बार मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको मैट के प्रोविजन समझ आए या फिर नहीं आए। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत थैंक यू। थैंक यू शिखर, थैंक यू अपूर्व, थैंक यू संजय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मनोज सर बोल रहे हैं प्रोविजन समझ में नहीं आया। कौन सा प्रोविजन? मैंने एक एक समझाया है। जब ये लाइव सेशन अपलोड होगा आप एक बार प्लीज इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू कुंदन सर, थैंक यू रवि सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। संजय सर बोल रहे हैं आप ब्लैक मार्कर, ओके ओके ब्लैक मार्कर यूज कीजिएगा। ठीक है, ये रहा मेरा ब्लैक मार्कर। ओके 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 संजय सर। रवि प्रसाद बोल रहे हैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे? सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अभी वेबसाइट पर या फिर आप हमारे राघव एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। ये देखिए सर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, इट इज़ विजेबल, संजय के। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। रवि प्रसाद आप एक बार जब ये लेक्चर पोस्ट हो जाएगा जरूर दोबारा देखिएगा, आपको सारे प्रोविजन समझ आ जाएंगे। फेसबुक पे अंशु सिंह बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, आज पक्का सॉल्व कराएंगे हम इसको।
कल से कोई दिक्कत नहीं होगी, और होगी भी तो हम कोऑपरेट करेंगे। ओके कल का टॉपिक अकॉर्डिंग टू अवर लेक्चर सीरीज होगा रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। हम कल देखेंगे जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जो हमारे चर्च होते हैं या फिर हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स होते हैं, हमारे जो अच्छे संस्था होते हैं, हमारी एनजीओ होती है, इनका इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या इन पर टैक्स लगता है। यस, आपको वैसे पता होगा हमारे मंदिर का भी पैन होता है, हमारे मस्जिद का भी पैन होता है, हमारे गुरुद्वारा, हमारे ट्रस्ट, जो भी हमारे रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, इन सब के पैन कार्ड होते हैं, इन सब की ITR जाती है, तो उनके प्रोविजन क्या होंगे वो हम कल के सेशन देखेंगे। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी बिल्कुल, जो रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट की थ्योरी है उसको भी कवर करेंगे। मैक्सिमम जो भी कवर हो पाएगा हम उसको ज़रूर कवर करेंगे, आप बिल्कुल परेशानी मत कीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर कवर होएगा, और टाइम बचेगा तो एक्सेस भी कवर होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, थ्योरी पूरी कवर होगी। क्योंकि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट में थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल प्रोविज़न तो आपको हमारे लेक्चर की स्टार्टिंग की 15 मिनट में समझ आ जाएंगे, बाकी की टाइम में हमारी सारे थ्योरी के प्रोविज़न चलेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थ्योरी भी एज इक्वल है एज प्रैक्टिकल। क्योंकि अब आप CMA बनने जा रहे हो तो आपको हमारे सारे डीप में पता होना चाहिए, सारे प्रोविज़न पता होने चाहिए, सारी थ्योरी भी पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल ज़रूरी है पर थ्योरी भी ज़रूरी है। एनी मोर क्वेश्चन संजय सर? वेलकम सर, वेलकम। और कोई कुछ नहीं लिख रहा, ऐसा क्या हो गया? अरे लिख दो कुछ तो यार। आई एम वेटिंग फॉर एनी ऑफ द इंटरेस्टिंग कमेंट्स। शिखर गुप्ता पूछ रहे हैं आप पूरा सिलेबस करवाओगे? यस यस, पूरा होगा। आपने लेक्चर देखा होगा, उसमें लेक्चर वाइज हमारा शेड्यूल है कि किस लेक्चर को कौन सा टॉपिक होगा।
ओके पल्लवी, ओके। शिखर गुप्ता पूछ रहे हैं, जो इंटर में टैक्स पढ़ा है उसका फाइनल में एप्लीकेशन है, जरूर है? आप इंटर का जरूर रिवाइज करना है आपको। आपका इंटर में पीजीबीपी यूज होता है, आपका इंटर में कैपिटल गेन यूज होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस यूज होता है, डिडक्शन यूज होती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड यूज होता है। आप फाइनल में आ चुके हो तो आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने इंटर का नहीं पढ़ा, तो आपको टैक्स तो पूरा आना चाहिए, तो इंटर का आपको जरूर रिवाइज करना है। मनोज कुमार दास बोल रहे हैं, सर प्रोविजन थोड़ा डिटेल में करवाना। ओके, कल का जो टॉपिक होगा, वैसे आज भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। तो कल भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। थैंक यू शिखर, थैंक यू। नीतीश सिंह, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। फेसबुक पे आए कुछ क्वेश्चंस, देखते एक बार। नहीं, फेसबुक पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट्स बैक ऑन द यूट्यूब। सो आई एम क्लोजिंग द सेशन ऑफ लेक्चर 1, दैट इज मैथ। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बींग अस, थैंक यू।